चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 7 लक्ष्मी संजय यादव से आज जो चुनाव में इन्होंने जीत हासिल करी है उसके बारे में कुछ चर्चाएं की जा रही है। लक्ष्मी जी, आप बताएं कि जो चुनाव में आपने विजय श्री हासिल करी है उसमें आपका क्या रहा है? सर्वप्रथम नमस्कार, मैं वार्ड क्रमांक 7 से लक्ष्मी संजय यादव जो कॉलेज अटेंड कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा जो मुझे सिंभाल का निशान मिला उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय जी की जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। क्योंकि जहाँ जिस व्यक्ति के साथ पार्टी का नाम मिल जाता है, पार्टी मेरे हिसाब से मेरे अपनी माँ समान होती है। जहाँ माँ का साथ जिसके साथ हो जाता है वह आधी जीत तो यूं ही हो जाती है ना। तो जहाँ माँ का आशीर्वाद मिल गया था तो आधी जीत तो मेरी तभी तय हो गई थी। और रही बात उसके बाद मैंने जो पूरी सच्ची निष्ठा और लगन से जो मेहनत करी वो भी कहीं ना कहीं मुझे इस जीत में उसका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ रहा। और जनता ने जो मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया उसकी तो मैं बहुत बहुत ऋणी और आभारी रहूँगी उनके आजीवन मेरा। मैं इस दौरान वार्ड में जब जनसंपर्क फर्स्ट टाइम हुआ मैंने देखा कि वहाँ की जनता सभी चीज़ों में बहुत परेशान थी। शासन की बहुत सारी समस्याएं थी जो उन्हें उन चीज़ों का लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने उनकी सारी समस्याएं सुनी तो उन्होंने और उनसे कहा कि मैं जब भी इस परिषद में बैठूंगी तब मैं उनकी सारी समस्याओं का दिल से निराकरण करना चाहूँगी, उनकी हर समस्याओं को सुलझाना चाहूँगी। और इस दौरान माननीय बड़े भाई साहब कृषि मंत्री जी भी आए, उन्होंने भी जब जनता वार्ड की जनता से अनुरोध किया मुझे अपना मत रूपी आशीर्वाद दिलाने के लिए, इसलिए उनकी मैं बार बार फिर से हृदय से कहना चाहती हूँ कि उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और वार्ड की जनता ने जो प्यार और आशीर्वाद दिया उसकी तो मैं तुलना भी नहीं कर सकती। उन्होंने अपना आशीर्वाद रूपी मत इतना दिया कि एक गरीब की झोली भर दी। उन्होंने मुझे 300 वोटों से भारी मतों के साथ एक ऐतिहासिक जीत दिलाई, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ बहुत बहुत। और आगे भी परिषद में बड़े माननीय भाई साहब मुझे अगर किसी योग्य समझेंगे और अगर कोई चीज़ अगर मिलेगी और करेगी तो मैं उसे दिल से करूँगी और उस परिषद में पूरा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।